पी जी वेलकम्स यू इन पी जी पॉइंट सो आज के सेशन में हमने आपको क्या करवाना है साइंस अच्छा जी तो साइंस यानी कि विज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत आपको डी एल एड फर्स्ट सेमेस्टर में कम्प्लीट यूनिट्स कितनी पढ़नी है सिक्स ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये बुक मैं थर्टी डेज के अंडर में कवर करवा दूँगी ठीक है अच्छा जी बात ये होती है कि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है जो पीएनपी आपका डी कराती है इसके अकॉर्डिंग जो ये किताब चलाते हैं वो चलाते हैं एस सी ई आर टी और जो आपके सामने ये किताब खुली है ये कौन सी किताब है एस सी ई आर टी तो हम चाहें अगर तो आपको शॉर्ट में ही पढ़ा दें लेकिन नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे आपसे एग्जामिनर चाहे जहाँ से प्रश्न पूछे आपको वो प्रश्न आता हो ऐसा हमारा उद्देश्य है मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी मेरे ही से पढ़ी एक बच्ची जिसका नाम कोहू है वो उसके पच्चीस में पच्चीस अंक आए हैं ठीक है विज्ञान में जी हाँ मैम पूरे में पूरे नंबर हमने कहा कहां जी उसने कॉन्सेप्ट मेरे अपनाए जो जैसा जैसा मैंने पढ़ाया वैसा वैसा उसने किया ठीक तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे अल्टीमेट मार्क्स आए तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है ये किताब की छः की छः यूनिट्स हमारे साथ में पढ़नी है इस पूरी बुक को उसके बाद में जो हम आपको सीरीज करवाएंगे करवाएँगे लाइक राजन सीरीज पवन सीरीज़ वो आपको हमारे साथ में टेस्ट देना है और पढ़ना है उसके बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवाएंगे पाँचों साल के प्रीवियस ठीक ये आपको इतना हमारे साथ में कवरअप करना है उसके बाद में आपकी एग्जाम टाइम पे मैराथन क्लास चलेंगी जो रिवीजन परपज से होगी ठीक इतना हम आपको करवाएंगे एग्जाम तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे पी के लिए अभी हम आपको बता दें ये पी हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे पी के लिए आपको बस केवल टेलीग्राम चैनल पी जी पॉइंट पे ऐड हो जाना है ठीक है और इंस्टाग्राम अकाउंट से आप हमसे जुड़ सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पी जी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सर्च करके जुड़ जाइएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं आज की आपकी यूनिट रहने वाली है सजीव वस्तुएं ठीक है सजीव वस्तुओं से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनको हम लोग करेंगे 30 हमने आपको बताया है। क्या बताया है मैक्सिमम मिनिमम इससे कम दिन लगने वाले हैं ठीक है ये आप समझ लो हम्म तो देखो अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में आपको इस यूनिट के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है वो उसके बाद में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो आपके सजीव और निर्जीव चीजें होती है इसमें क्या अंतर होता है फिर उसके बाद में पौधे और जंतुओं में क्या अंतर होता है ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आप पौधों और जंतुओं में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं क्या समानताएं है होती हैं जंतु और जो वनस्पति होते हैं आपके उनमें वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो जो पहला टॉपिक है अपना वो क्या है मैनमेड और नेचुरल थिंग्स देखिए हम आपको ये टर्म्स इंग्लिश में भी बोलेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको समझ में भी आता रहे और वो किसी प्रकार की कोई गलती ना करें ठीक है अच्छा पेपर आप याद रखेंगे कि आप हिंदी में ही लिख करके आएंगे इंग्लिश में आपको ये पेपर नहीं करने होते हैं है, है ना आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको ये टर्म्स हिंदी में भी समझने पड़ेंगे हम्म अच्छा जी तो देखो आप एक बार ना अपने चारों ओर देखो चारों ओर देख रहे होगे तो आपके पास आपके पास में फोन होगा ठीक है आपके पास जल रखा होगा है ना <coughs> तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं दरवाजा खिड़की जमीन पत्थर टाइल पंखा सब दिखेगा लेकिन जिसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होती हैं जैसे जो खुद से स्वतः मतलब खुद से उत्पन्न होती है पृथ्वी पे और कुछ को क्या होता है मनुष्य बनाता है जैसे आप बैठे हैं जहाँ पर तो वहाँ की जो जमीन है जो वहाँ की मिट्टी है वो क्या है वो स्वतः उत्पन्न हुई है किससे उत्पन्न हुई है पृथ्वी से या प्रकृति से स्वतः उत्पन्न हुई है ठीक अच्छा पास में आपके एक पंखा ऊपर लगा होगा जो मस्त हवा दे रहा होगा आपको क्या ये स्वतः उत्पन्न हुआ है कि आपने धरती पर जन्म लिया और आपको पंखा मिल गया बना बनाया नहीं तो ये किसने बनाया इसको बनाया मानव ने तो ये जो चीजें हैं जिनको इंसान बना रहा है मानव बना रहा है वो आपकी क्या कहलाती है मैन मेड थिंग्स या मानव निर्मित वस्तुएं और जो चीजें इंसान नहीं बना रही है जो चीजें प्रकृति में स्वतः उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि आपकी नेचर में जो खुद से डेवलप हो रही हैं उन्हें आप क्या कहेंगे उन्हें आप कहेंगे प्राकृतिक वस्तुएं ठीक अच्छा तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि मनुष्य द्वारा बनाए गए वस्तुओं में जीवन नहीं होता है अच्छा एक चीज़ आप और नोटिस करो आपने देखा कि मानव ने जो चीज़ें बनाई जो मानव की तरह काम भी करता है लाइक रोबोट लेकिन क्या रोबोट में लाइफ होती है नहीं आपने देखा कि मानव ने फैन बनाया ठीक मोबाइल बनाया ठीक घर बनाए लेकिन क्या इन सब में लाइफ है क्या इन क्या ये श्वास ले पा रहे हैं क्या रोबोट सांस ले सकता है क्या रोबोट बच्चे को जन्म दे सकता है आप कहेंगे मैम नहीं तो आपको क्या याद रखना है जो मनुष्य चीजें बनाता है जो मैन मेड थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है जीवन नहीं होता है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसी वस्तुओं को आप क्या कहते हैं मानव निर्मित वस्तु है यानी कि यहाँ से आपको एक बात क्या पता चल गई जो मैन मेड थिंग्स होती हैं जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता है तो मैम उनमें लाइफ नहीं होती उनमें जीवन नहीं होता है जीवन नहीं होने का मतलब क्या है कि वो श्वास नहीं ले सकते हैं या वो अपने समान संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं है ना अच्छा जी अब प्रकृति में स्वतः उत्पन्न वस्तुएँ को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं नेचुरल थिंग्स जिन्हें आप कहते हैं जैसे जैसे आपके प्लांट्स हो गए ट्रीज हो गए है ना सॉइल हो गई तो ये सब आपकी क्या है नेचुरल थिंग्स हैं जो आपकी किससे प्रकृति में खुद से उत्पन्न हुई हैं अच्छा जी अब प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं जो होंगी उसमें से आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपके आसपास हो उसमें से आपको जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो, वो लिखना है और जो आपके पास आसपास मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो लिखना है ठीक है अच्छा जी अब बात आती है कि सजीव और निर्जीव में मैम क्या डिफरेंस होता है वी आर द सेम सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉट लिविंग थिंग्स आइए बात करते हैं ज़रा देखो सजीव के लक्षण सबसे पहले आपको आप अंतर तो तब कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि सजीव की क्या क्या लक्षण होते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो निर्जीव होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक तो जिन वस्तुओं में सजीव के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं वे निर्जीव की श्रेणी में सम्मिलित कर लिए जाएंगे अंत में देखो ये एक इन्होंने वो दिया हुआ है जो आपके एक्सरसाइज होती है ना वो करने के लिए दिया हुआ है तो ये तो आप स्किप करते हुए चलेंगे जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं करने में है। ऐसे ही पौधे और जंतुओं में अंतर समझाने के लिए इन्होंने एक लिस्ट बनवा करके काम किया है अच्छा सजीव और निर्जीव में अंतर समझाने के लिए हम आपको सबसे पहला जो पॉइंट है जैसे अब आप एक चीज़ सबसे पहले तो ये याद रख लो जैसे आपसे पूछा गया प्रश्न कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताओ तो ये नहीं कि आपने छोटे बच्चों की तरह यहाँ लिख दिया पेपर में सजीव हम्म और यहाँ लिख दिया आपने क्या भैया निर्जीव ठीक और आपने ऐसे ही नम अंतर बताना शुरू कर दिया एक दो तीन पॉइंट लेकिन आपको अब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी आधार आधार का मतलब किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जैसे गमन के आधार पर पहला है लोकोमोशन के आधार पर तो सजीव वस्तुओं में लोकोमोशन होता है निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता है मतलब उसके बाद में न, और क्या कहते हैं अनुकूलन के आधार पर उसके बाद में प्रजनन के आधार पर इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये नहीं कि छोटे बच्चों की तरह सजीव डाला निर्जीव डाला और बस डिफरेंट नहीं किस बेसिस पे आप उनको अंतर बता रहे हैं ये आपको समझाना जरूरी है तो यहाँ से हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या चीजें कैसे क्वेश्चंस को लिखना है तो देखो सजीव और निर्जीव में यदि मैं अंतर की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सजीव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और निर्जीव की क्या तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो गमन की अगर बात की जाए जो आपकी गमन गमन मतलब क्या होता है लोकोमोशन मतलब इधर से उधर जाने की क्षमता या कह सकते हैं हम शरीर के भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया यह आपकी क्या कहलाती है गमन कहलाती है तो जो आपकी लिविंग थिंग्स होती है सजीव चीज़ें होती हैं इनमें लोकोमोशन लोकोमोशन आपका गमन होता है लेकिन जो मैन मेड थिंग्स होते हैं अब देखो ये एक आपको कुछ चीज़ें एक कोशिकीय जीवों में गति की बात की गई है यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि मानव जो है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं भाई कोशिका से मिलकर के टिश्यू बनाए टिश्यू से मिलकर के आपका ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम फिर ह्यूमन बॉडी पूरी बनी हुई है लेकिन यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें क्या है सिर्फ एक ही सेल है एक ही कोशिका है अब ऐसे मैम क्या क्या, क्या एक कोशिकीय जीवों में कैसे गति हमने कहा जैसे कि अमीबी जो आपकी अमीबीय गति होती है अमीबा में एक सेल होता है या आपका गति होती है या आपका परिसंचरण ये गति ये घूर्णन अब एक एक करके समझेंगे लोकोमोशन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं लोकोमोशन कहते हैं एक शब्द में अगर आपको याद रखना है तो क्या कहेंगे कि स्थान परिवर्तन या स्थान परिवर्तन को गमन या लोकोमोशन कह कहते हैं शरीर के भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया गति यानी कि मूवमेंट कहलाती है सभी जंतुओं में गमन करने की क्षमता होती है जो आपके आसपास जंतुओं हैं जैसे मक्खी है सांप है शेर है तो आप देखते हैं कि ये क्या कर हैं गमन जबकि बहुत से पौधों में गति होती है कैसे मैम हमने कहा आपने, आपने बचपन में छुईमुई का पेड़ देखा होगा आप जैसे ही उसकी पत्तियों को देखते हैं तो वो क्या करती है मुरझा सी जाती है है ना छुईमुई के पौधे आप लोगों ने देखे हैं ना तो कमेंट सेक्शन में बताना जरा तो छुईमुई के पौधों को छूने से उसकी पत्तियों और शाखाओं में गति होती है पौधों को अंधकार में रखने पर प्रकाश की ओर गति देखी जा सकती है वायुयान एवं स्कूटर जो निर्जीव होते हुए भी गति करते हैं किंतु इन पदार्थों में गति बाह्य शक्ति के कारण होती है अच्छा एक बात बताओ जो वायुयान और स्कूटर है अगर हम इसमें फ्यूल न डलवाएं जैसे स्कूटर में पेट्रोल डीजल जो भी है वो सब ना डलवाएं, या गैस से चलने वाली गाड़ियों में हम गैस ना डलवाएं तो क्या ये अपने आप चल देंगी कि हाँ हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है फिर भी हम क्या इधर उधर चले जाएंगे नहीं जा सकते लेकिन जो आपकी नेचुरल थिंग्स हैं उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि पहले छूई मुई का पेड़ हम छू रहे हैं वो मुरझा रहा है उससे पहले हम उसमें एक लीटर पेट्रोल डालें तब वो ऐसा काम करेगा ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी तो कहने का आशय ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें लोकोमोशन के लिए गति के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो स्वेच्छा से नहीं ढील ढुल सकते हैं जबकि जीवों में गति अपनी इच्छा से तथा भीतरी शक्ति से होती है जो आपके अब यहाँ से एक बात क्या पता चल गई देखो गति तो दोनों में होती है समझिएगा बाद में जो आपकी लिविंग थिंग्स होती है और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दोनों में मूवमेंट तो होता है दोनों में लोकोमोशन होता है लेकिन जो लिविंग में होता है यानी कि जो सजीव चीजों में होता है वो अपनी इच्छा अनुसार होता है ठीक और जो नॉन लिविंग थिंग्स में लोकोमोशन होता है वो किसकी वजह से होता है भैया बाह्य शक्ति की वजह से होता है बाह्य शक्ति में जैसे कार को चलना है तो कार में अब क्या है जब आप फ्यूल डलवाएंगे तभी तो वो गमन करेगी या बाह्य शक्ति में और आप ऐसे समझ लो जैसे मान लो आपके आसपास क्या रखी है एक जैसे मान लो ये एक टेबल रखी है ठीक टेबल रखी है तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो टेबल है ये तब तक नहीं हिलेगी कब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई व्यक्ति इसमें ऐसे करके फोर्स ना लगाए तो ये फोर्स क्या है बाह्य गति तो हुई जब इसको धक्का देंगे तभी तो ये इधर से खिसक के इधर जाएगी गतिमान तो हुई लेकिन कब हुई जब आपने धक्का लगाया तब गतिमान हुई ठीक और अब जैसे प्रकाश का चलना है या है तो क्या उसमें कोई बायो फोर्स लग रहा है नहीं वो तो अपने आप क्यों क्योंकि -क्यों प्राकृतिक है ठीक अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात देखो शारीरिक संगठन की बात देखो सभी जीवों के शरीर का निश्चित संगठन होता है वो इकाइयों या यूनिट से मिलकर के बना विशेष आकार की रचना होती है जंतुओं की शारीरिक संरचना जो होती है वो जटिल होती है यानी कॉम्प्लेक्स होती है जबकि पौधों में सरल संगठन पाया जाता है जहाँ कुत्ता या गुलाब के पौधे कुत्ता या गुल कह लो या गुलाब के पौधे के निश्चित स्वरूप होता है वहाँ पत्थर या लोहे का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है यदि उसका आकार बनाया ना जाए कहने का आशय यह है कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो जो अब ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आप अंतर पढ़ रहे हैं याद रखिएगा जो आप सजीव और निर्जीव चीज़ों का जो आपका अंतर है ना आप वो पढ़ रहे हैं तो शारीरिक संगठन पे देखो ईटा जो आपका पत्थर होता है उसका कोई सेप होता है क्या नहीं होता है अब आप मोबाइल है चाहे जितना बड़ा बना लो चाहे जितना छोटा बना लो चाहे जितना लैपटॉप है चाहे चाहे आप जैसे अब समय के साथ में देखो पहले कंप्यूटर एक एक पूरे कमरे का हुआ करता था हम्म अब आज एक तरीके का मोबाइल भी तो आपके हाथ में कंप्यूटर ही है लेकिन वो कितना छोटा हो गया तो कहने का आशय जो है ये है निर्जीव चीजों का जो आकार है जो शारीरिक संगठन है जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है समान नहीं है समान नहीं का मतलब क्या असमान है यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है लेकिन जो आपके क्या है जीवो के शरीर हैं, जो जीवित चीजें हैं उनका फिक्स है कि भैया घोड़े के अगर चार पैर होंगे तो घोड़े के चार पैर होंगे हाथी के हाथी का वजन इतना है तो हाथी का वजन इतना होगा हम्म अगर ह्यूमन के आप देखोगे तो एक हार्ट है तो है दो किडनी है तो है है ना फाइव फिंगर्स होती हैं तो होती हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं हो रहा है जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है आपका जीवो के शरीर का वो निश्चित है डेफिनेट है लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है आप चाहे तीन पर वाला पंखा लगवा लो घर में चाहे चार पर वाला लगवा लो चाहे पाँच पर वाला लगवा लो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा जब होगा तो चाहे दो हाथ वाला पैदा कर लो चाहे दस हाथ वाला पैदा कर लो चाहे पचहत्तर हाथ वाला पैदा कर लो ऐसा तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है और वो वो अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है वो फिक्स्ड है वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनाइज्ड है अच्छा ग्रोथ के बेसिस पे अगर बात करेंगे एक बात बताओ क्या आपकी हाइट आज इतनी बड़ी है ठीक पाँच साल बाद में आपकी हाइट इतनी बड़ी हो गई जब आप छोटे थे तो आपके घर में एक एल का फ्रिज था ठीक है आज वो इतना बड़ा था तो क्या पाँच साल बाद भी एल का फ्रिज उतना ही बड़ा होगा तो आपका जवाब होगा हाँ तो इसका मतलब जो मानव हैं जो जीव होते हैं उनमें क्या होती है वृद्धि होती है परिपक्वता पाई जाती है लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें कोई वृद्धि कोई परिपक्वता नहीं पाई जाती ऐसा नहीं होता कि पहले फ्रिज जो है ठंडा करता था चीजों को फिर वो बड़ा होकर के परिपक्व हो गया तब वो अपने आप ही उसमें आइसक्रीम बना देता है ऐसा तो नहीं होता है ना कोई परिपक्वता आने पर वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आई या आपके घर का पंखा था वो धीरे में परिपक्व होकर ए सी बन गया या आपके घर में कुर्सी थी तो आज वो परिपक्व हो करके पाँच साल बाद अपने आप सोफ़ा बन गई ऐसा तो नहीं ग्रोथ हो रहा है आपके घर में है ना तो यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है कोई वृद्धि नहीं होती है लेकिन जो सजीव चीज़ें होती हैं जो जीवित चीज़ें होती हैं उनमें क्या होती है परिपक्वता आती है वृद्धि पाई जाती है ठीक है अच्छा उसके कुछ अब बा, समझो बात को यहाँ पर जैसे कि ये इन्होंने दिखाया है समझो ये सभी जीवों में वृद्धि होती है जंतुओं में वृद्धि परिपक्व होने तक पाई जाती है उसके बाद केवल कुछ विशेष भागों तक परिस्थितियों में वृद्धि होती है मतलब ये तो सच बात है कि कुछ ही समय तक होती है वृद्धि पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती है निर्जीव पदार्थों में स्वयं वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है चीनी की डली को चीनी के संतृप्त घोल में रखने से डली का आकार में बढ़ जाता है किंतु वृद्धि बाह्य कारण से होती है ठीक है अच्छा पोषण के आधार पर अगर बात करें तो ये अंडा था अंडे से ये चूजा चूजे से ये क्या बन गया मुर्गी तो जंतुओं में वृद्धि मुर्गी के चू चूधे बनाना उसके बाद में पोषण जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं जंतुओं को भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है पौधे पृथ्वी में घुले आकार्बनिक पदार्थों को भी जड़ों द्वारा ले सकते हैं कहने का आशय ये है कि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या जो आपकी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती <coughs> क्या आप जानते हैं कि सभी जीवों में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव शरीर के संगठन में परिवर्तन भी होते रहते हैं शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं जैसे उपापचय की प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है जिनमें ग्रहण किए गए पदार्थ का रूपांतरण होता रहता है तथा आवश्यक ऊर्जा विमुक्त होती रहती है जैसे आपने कुछ खाया फिर वो पचेगा तो उससे क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी रिलीज होगी तब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी तभी तो देखो लोग व्रत होते तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? उनको कहते नहीं खाओगे अन्न तो रहोगे टन अब जब उन्होंने व्रत में अन्न खाया ही नहीं कुछ खाया ही नहीं तो फिर वो कैसे काम कर पाएंगे तो कहने का आशय ये है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है जैविक क्रियाओं को करने के लिए और वो ऊर्जा कैसे मिलती है खाने से पीने से जो आपकी अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो रही हैं उससे उपापचय क्रिया भी दो प्रकार की होती है एक होती है आपकी अपचय एक होती है उपचय उपचय को कहते हैं एनाबॉलिज्म अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिज्म जो एक जो आपकी उपचय है एनाबॉलिज्म में ये एक रचनात्मक क्रिया है जिसमें जीव द्रव्य का नया भाग बनता है आप पचे जो कैटामॉलिज्म है ये एक विनाशक यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिया है जिसमें कुछ पोषक पदार्थों का दहन या कम्बन होता है अच्छा श्वसन के बेसिस पे अगर हम सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर करें तो आपको पता है कि श्वसन जो आपकी सजीव चीजें हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं है ना जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं ऊर्जा <coughs> प्राप्ति के लिए सभी जीवों में श्वसन होता है इस प्रक्रिया में विभिन्न भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया वसा तत्काल ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन या दहन होता है जो आपकी श्वसन है रेस्पिरेशन है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कुछ भाग श्वसन के रूप में होता है तथा कुछ आंतरिक श्वसन के रूप में होता है वायवीय श्वसन जिसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं वायु में या स्वतंत्र रहने वाले जीवों में पाया जाता है जबकि वायु की कमी में रहने वाले जीवों में अवायवीय श्वसन या एनोर्बिक रेस्पिरेशन पाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में क्या रेस्पिरेशन होता है नहीं होता है अच्छा उत्सर्जन क्या आपने देखा है कि आपके घर में पंखा कूलर ए जो है ये कभी वॉमिटिंग कर रहे हो या ये कभी टॉयलेट कर रहे हो या ये कह रहे हो कि भाई अब अब हटो हमारे ऊपर से मत बैठो हमें पोटी जाना है पता चले चेयर के लिए अलग बाथरूम बना है सोफा के लिए अलग बाथरूम बना है क्या आपने ऐसा कभी देखा नहीं देखा क्यों देखा नहीं क्योंकि क्यों जो आपकी जीवित चीजें हैं इनमें उत्सर्जन प्रक्रिया होती है और जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं या उनमें आपकी कोई ये एक्सक्रेशन या सेक्रेट ये उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है जीवों में शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं अपशिष्ट पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट सब्सटेंस जैसे आपने खाना खाया तो जो उसमें फैट न्यूट्रिशन प्रोटीन मिनरल्स विटामिन थे वो आपकी बॉडी को मिल गए फिर उसमें एक वेस्ट बचा अब उस वेस्ट को जो निकलता है वो क्या होता है आपका हकानिकारक हो सकता है, 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 है? तो है, हाँ है। इसलिए सभी जीवों में इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं निर्जीवों में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है आपकी उनमें ऐसा कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है ठीक है अब उत्तेजनशीलता की अगर मैं बात करूँ इरिटेबिलिटी की अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम कितना अल्टीमेट होता है जैसे मान लीजिए कि आप ये हैं आराम से बैठे ठीक उधर से आपकी जो है बहन आई समझिएगा बात को ठीक आपकी बहन आई वो सैतानी के मूड में थी उसके हाथ में था एक कप जिसमें थी गर्मा गर्म चाय उसने तुरंत ये क्या किया आपकी बॉडी पे जैसे ही छुआया आपके मुंह से निकला आई क्या निकला भैया आई और आपने क्या किया ये वाला हाथ उठाया और उससे का बिल्कुल बिल्कुल हमसे बदतमीजी नहीं क्या करो ये सब हमारे साथ नहीं करो तो ये आपको कैसे पता चला कि चाय जैसे ही उसने छुआई आपने तुरंत ये हाथ अपना हटाया क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम क्या था एक्टिव था आप गरम गरम चाय को चाहे टेबल पे रख दो मेज पे रख दो फ्रिज के ऊपर रख दो कुर्सी के नीचे रख दो पंखा के ऊपर रख दो या कुछ भी कर दो तो क्या कभी आपके जो घर में जमीन में चाय गिर गई या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा सा काम आपसे हो गया तो क्या कभी ज़मीन से आवाज़ आती आह या आपके चेयर से आवाज़ आती नहीं मुझ पर गर्म चाय नहीं रखो मुझे हर्ट हो रहा है ऐसा कुछ होता है नहीं ना लेकिन क्यों नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम ही नहीं है वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं तो प्रत्येक जीवधारी वातावरण के परिवर्तन

यहाँ जो फ्रिज था आज उसका पता चले आपने का कि मैं आज हमारे और हमारे यहाँ टेबल फैन आ गया क्या ऐसा कभी हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है तो इनमें प्रजनन करने की जो पावर होती है वो होती नहीं है रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं हो सकता तो हर जीवधारी को अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रजनन कहते हैं भाई बंदर क्या है अपने जैसे जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न कर रहा है है ना मानव अपने जैसे संतान पैदा करता है तो जो जो भी जीवधारी होते हैं वो अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन तो जिससे उसका क्या होता है भैया वंश चलता रहता है तो प्रजनन विभिन्न प्रकार का हो सकता है अलैंगिक भी हो सकता है आलेंगेग आलेंगेग, आलेंगेग और लैंगिक अलैंगिक और लैंगिक में भी अंतर होता है है हाँ ना वो हम आपको आगे समझा रहे होंगे तथा अन्य कई विधियों द्वारा भी आजकल संतान उत्पन्न हो सकती है जैसे आपने आजकल बहुत सारे जैसे आपने एक प्रोसेस देखा होगा टेस्टिव बेबी प्रोसेस है हाँ ना तो वो भी एक प्रोसेस है जिससे संतान उत्पन्न की जाती है तो उच्च वर्ग के प्राणियों में लैंगिक प्रजनन ही होता है जो उच्च वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है जो निर्जीव पदार्थ जैसे वायुयान में अपने समान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है बात वही होगी घर में कुर्सी है नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या वो अपने समान कुर्सी पैदा कर सकती है नहीं अब उसके बाद में नवी नवा जो पॉइंट आता है आपका जीवन चक्र तो देखो प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन होता है जिसमें एक चक्र या साइकिल के रूप में कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं जैसे सबसे पहले अंडा बनता है अंडा से शिशु अवस्था शिशु अवस्था से पुराण अंत में मृत्यु हो जाती है ठीक इस प्रकार के सुनियोजित जीवन चक्र जो है वो आज पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा है ना भैया कि पहले बच्चा हुआ फिर स्वैश्वावस्था बाल्य अवस्था किशोरावस्था, प्राणावस्था, तो तो आपने, आपने ये पढ़ा कि जो अब देखो कि जो आपकी प्राकृतिक वस्तुएं होती और वस्तु है और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण आपने पढ़ा यानी कि जो भी हमने टेबल में बताया कि आस पास जो चीजें हैं उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर लो है ना सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होता है तो सजीव तथा निर्जीव में अंतर में आपने आज ये तीन पॉइंट्स हमने आपको पढ़ाया एक दो और तीन अब ये तीन पॉइंट्स हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको रिवीजन करवाएंगे सबसे पहले सजीव और निर्जीव में यदि कोई अंतर पूछेगा तो किस किस आधार पर आप अंतर बताएंगे पहले तो लोकोमेशन यानी गमन के आधार पर कि जो गमन में कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं या जो सजीव चीज़ें होती हैं उन दोनों में लोकोमोशन की प्रोसेस होती है यानी आपको ये बताना है कि सजीव और निर्जीव दोनों में गमन होता है लेकिन जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसमें बाह्य शक्ति किसकी बाह्य शक्ति की वजह से उसमें गमन होता है जैसे आप जब फ्यूल डलवाएंगे पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे तभी तो बाइक चलेगी लेकिन हम लोग तो अपने आप ही चल देते हैं तो यानी कि जो सजीव चीज़ें होती हैं वो अपनी इच्छानुसार गमन करती हैं और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उन्हें बाह्य शक्ति की जरूरत पड़ती है शरीर शारीरिक संगठन के आधार पर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता, होता, होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेफिनेट होता है यानी निश्चित होता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है या जो निर्जीव वस्तु है उनका अनिश्चित होता है वृद्धि के आधार पर अगर बात की जाए तो वृद्धि में क्या होता है एक समय तक ये वृद्धि करते हैं जो सजीव होते हैं जंतु होते हैं और फिर रुक जाते हैं लेकिन उसमें वृद्धि करने का कोई सिस्टम नहीं होता है या वो अपनी इच्छा अनुसार वृद्धि नहीं कर सकते न्यूट्रिशन ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ठीक कौन सजीव चीजें श्वसन की बात करें तो जो आपके घर पर सजीव चीजें हैं वो खुद से श्वसन करती हैं लेकिन जीव चीजों में श्वसन नहीं होता उत्सर्जन की यदि बात करें तो उत्सर्जन भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है लिविंग थिंग्स में होता है इरिटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता की बात करें तो आपको पता है अभी हमने चाय वाला उदाहरण दिया था कि उत्तेजनशीलता आपकी सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती प्रजनन तो सबको पता है अपने समान संतान सजीव पैदा कर सकते हैं लेकिन निर्जीव नहीं कर सकते जीवन चक्र भी फिक्स होता है सजीवों का और निर्जीवों का नहीं होता तो इस हिसाब से आपने क्या पढ़ लिया सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे तो जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन क्या है ठीक है उनके आकृति आकार रंग रूप संरचना और रहने के संबंधित जो लक्षण में ऐसा परिवर्तन तो वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे होंगे ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा होगा जो अब हम पढ़ाएंगे आपको लेकिन आपको फिर भी घबराना नहीं है है ना तो कोशिश करेंगे कि आपकी ये वाली यूनिट मैं तीन दिन में कंप्लीट कर दूं ठीक है अच्छा उसके बाद में जो आपकी यूनिट शुरू होगी वो होगी वनस्पति जगत ये थोड़ी सी आ, आ, अपने आप में एक पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप ये वाली यूनिट समझोगे ना और इस वाली यूनिट से आप याद रखिएगा दो नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना वो आपके यूनिट नंबर टू से ज़रूर बनता है ठीक है फिर उसके बाद में जो ये यूनिट जब आप समझ लोगे तभी आपको ये वाली यूनिट समझ में आएगी यानी कि जो बच्चे यूनिट टू छोड़ देंगे उनको यूनिट थ्री नहीं समझ में आएगी इसीलिए यूनिट टू और यूनिट थ्री क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है तो आपको क्या आप समझना पड़ेगा पहले यूनिट टू फिर यूनिट थ्री यूनिट थ्री आपकी बहुत बड़ी है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको प्रजनन से लेकर के बीजों के प्रकीर्णन तक की चीज़ें पढ़नी है तो इसको पढ़ाने में कम से कम आप ये मान के चलो टेन डेज़ तो लगी जाना है यूनिट थ्री को पढ़ाने में है ना यूनिट वन और टू टू तो आपकी फोर डेज और यूनिट वन तो आपकी टू थ्री डेज में कम्प्लीट हो जानी है है ना तो कुछ यूनिट्स देखो अभी हमने आपको सिलेबस दिखाया था ना पूरा छः ये वाला पूरा तो ये जो सिलेबस है इसमें आपका यही बताया है मैंने कि कुछ तो यूनिट्स ऐसी होंगी जो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएंगी अब जैसे इसमें आपका टेन डेज लग सकते हैं ठीक है ये आपकी थ्री डेज़ में ही कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है ये आपकी फ़ोर डेज़ में ही कम्प्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से हमने आपको बताया ना कि मिनिमम थर्टी डेज में ये बुक हम कवर करने का प्रयास कर रहे होंगे ठीक है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है अब आपको क्या करना है रोज सुबह याद रखो दस बजे काहे की क्लास होती है भैया विज्ञान की इसके बाद आपको भूल नहीं जाना है है ना बच फिर एक बजे आपकी काय की क्लास होती है गणित की क्यों मैम आपने विज्ञान और गणित ही पहले क्यों शुरू किया उसके पीछे का रीजन बताइए मैम उसके पीछे का रीज़न बेटा कहना नहीं चाहिए लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों की बैक जो लगती है ना वो सबसे ज्यादा साइंस और मैथ्स में ही लगती है दैट्स वाई हमने आपकी सबसे पहले क्लास इसी की स्टार्ट किया अगर आप हमें अपना इन क्लासेस में प्रेम दिखाएंगे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा सो डेफिनेटली हम आपकी क्लासेस और भी सब्जेक्ट्स की शुरू करेंगे लेकिन 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 कब जब आप हमारे वीडियो को क्या करेंगे भैया एकों बार मैंने नहीं कहा कि लाइक करो तो ना आपने लाइक किया और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उसके अलावा यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर होना चाहिए चाहे आप भले ही थैंक यू मैम लिखें ताकि मुझे ये पता चले कि कितने बच्चे सीरियस हैं यदि आप लोग सीरियस रहेंगे तो इन क्लासेस को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगी बिना किसी चार्जेस के और जो पी होंगी उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर भेजती रहूँगी तो हमेशा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तो टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल लव यू माय डियर क्लास थैंक यू